इरादा पक्का हो तो किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, श्री हरिपुर के राजा प्रदीप सिंह की असमय मृत्यु के बाद उनके इकलौते पुत्र तेजवीर सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। तेजवीर सिंह अपने पिता की तरह साहसी थे, किंतु अनुभव की कमी होने के कारण अनेक बार संकट की स्थिति में घबरा जाते थे। ऐसे में राजमाता उन्हें हिम्मत देती और उचित मार्गदर्शन द्वारा संकट से उबारती। पड़ोसी राज्य गंगापुर के राजा भीम सिंह की निगाह श्रीहरिपुर पर थी। आखिर एक दिन भीम सिंह ने श्रीहरिपुर पर आक्रमण कर ही दिया। दोनों राज्यों की सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। भीम सिंह की सेना बड़ी थी। अब तक राजा प्रदीप सिंह सेना छोटी होने के बावजूद अपने साहस और हौसले से सेना का मनोबल ऊंचा रख जीतते आए थे, किंतु तेजवीर सिंह इसे कायम नहीं रख पाए। दो ही दिन में भीम सिंह ने 4 मील हिस्से पर अधिकार अपना जमा लिया। राजमाता ने तेजवीर सिंह को बुलाकर उसे पराजय का कारण पूछा। तेजवीर सिंह ने बताया कि हमारी सेना भीम सिंह की सेना से छोटी है और यही पराजय का कारण है। जब राजमाता ने तेजवीर सिंह के मुख से छोटी सेना के कारण का पराजित होने की बात सुनी तो उन्होंने मन ही मन कुछ तय किया। जब रात को तेजवीर सिंह सोने से पहले उन्हें प्रणाम करने आए तो उन्होंने देखा कि राजमाता 6 पतली लकड़ियों के गट्ठर से फर्श पर पड़े लोहे के बड़े टुकड़े को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। तेजवीर ने उनसे कहा, माँ 6000 लकड़ियाँ मिलाकर भी इस मजबूत लोहे को नहीं तोड़ सकती। तब राजमाता बोली, सही कहा, संख्या से मजबूती को पराजित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हमारे वीर सैनिक और तुम लोहे की तरह मजबूत हो। दुश्मन की अधिक सेना संख्या इसी मजबूती के सामने घुटने टेकेगी। तेजवीर ने माँ की बातों से प्रेरणा ग्रहण कर ली और अगले दिन युद्ध में विजय हासिल की। दोस्तों, ये दृढ़ मनोबल से हारी हुई जंग में भी फतेह हासिल की जा सकती है। दृढ़ मनोबल हो तो किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए प्रतिकूलताओं में भी मनोबल को ऊंचा बनाए रखें।